हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज सपोज दैट ऑल द टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर नेचुरल नंबर इफ द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म टू द सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म इज 6:11 एंड द 7th टर्म लाई इन बिटवीन 130 एंड 140 देन द कॉमन डिफरेंस ऑफ द ऑफ दिस एपी इफ। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हम की कंसेप्ट का यूज करेंगे वो क्या होगा हमारा, देखो के कंसेप्ट के लिए हमें पता होना चाहिए जो एस एन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एन बाय टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ये होती है हमारी नंबर ऑफ टर्म्स और यहाँ पे ये होती है हमारी फर्स्ट टर्म, ये होता है हमारा फर्स्ट टर्म और डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। ओके तो अब इसको यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सारे नेचुरल नंबर इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म टू द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म, फर्स्ट 7 टर्म का और 11 टर्म का रेशियो जो है वो 6:11 दे रखा है। तो हमारा जो 7 टर्म के लिए जो एन है वो क्या हो जाएगा, 7 एन बाय 2 टू ए प्लस 6 डी डिवाइडेड बाय 11 के लिए एन 11 बाय 2 टू ए प्लस 11 माइनस 1 तो यहाँ पे हो गया 10 डी। ये रेशियो क्या दे रखा है हमें, 6:11 दे रखा है। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 7/2 7/2 गया। अब यहाँ से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 7 × 2 14, 2 कॉमन लेते हैं ऊपर से 2 कॉमन लेते हैं नीचे से, तो हमारा यहाँ से ये हो जाएगा 7 × 2 ए प्लस 3 डी डिवाइडेड बाय 11 इंटू ए प्लस 5 डी, 6/11 इस 11 से 11 के इस 2 से ये 2 गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 7a + 21d डिवाइडेड बाय ए प्लस 5d इज इक्वल टू 6। सो यहाँ से क्या आएगा, 7a + 21d इज इक्वल टू 6a + 30d। तो अब यहाँ से क्या आया हमारे पास, a इज इक्वल टू 90, ये आ गया हमारे पास, ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोलते हैं इसे। अब देखो हमें क्वेश्चन में एक लाइन और दे रखी है, क्या बोल रखा है, एंड द सेवंथ टर्म लाई इन बिटवीन 130 एंड 140। जो सेवंथ टर्म है, सेवंथ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 6d, ये हो जाएगी हमारी a 7। अब क्या बोला गया है, जो हमारी सेवंथ टर्म है वो 140 एंड 130 के बीच में है, तो इसको क्या लिखेंगे, a प्लस 6d इज बिटवीन 140 एंड 130। अब जो a है हमारा यहाँ पे 90 निकाल चुके हैं, तो 90 प्लस 60 इज 140 और यहाँ पे 130 हो गया। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, 15d इज लेस देन 140 एंड 130। अब यहाँ पे अगर d की वैल्यू हम निकालें तो d क्या आएगा, अब हमें पता है d हमारा जो है वो नेचुरल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे देखो प्रोग्रेशन आर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, तो इसका जो d है हमारा नेचुरल नंबर आएगा। अगर डिफरेंस डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 8 point something, ओके। और अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये आएगा 9 point something, तो जो d की वैल्यू इनके बीच में आने वाली और d जो हमारा नेचुरल नंबर आना चाहिए, तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारा d है उसकी वैल्यू आ गई 9। तो जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा 9। ओके सो द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी इज 9। आई होप यू अंडरस्टैंड, बेस्ट ऑफ लक।